नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किक्स फॉर आईटी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग टीसीए साइकिल के बारे में बात करेंगे, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और इसको डिस्कवर की थी क्रेब्स ने, तो उनको हम लोग क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी है? इट इज बोथ कैटाबोलिक एज वेल एज एनाबोलिक पाथवे। इट इज कॉमन पाथवे वेदर वी हैव कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, ये सबके लिए कॉमन है। यहाँ पे सिट्रिक साइकिल इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जो हमारा कंपाउंड है वो स्टाइल कोएंजाइम ए बनता है, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट लीजिए, प्रोटीन लीजिए, फैट्स लीजिए। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग ग्लाइकोलिसिस करा के पाइरुविक एसिड बनाते हैं, पाइरुविक एसिड से हम लोग स्टाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं लिंक रिएक्शन के थ्रू। लिंक रिएक्शन क्या है मैं वो भी आपको अभी बताऊंगा। प्रोटीन से डीएमिनेशन करा के हम लोग स्टाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, फैट्स बीटा ऑक्सीडेशन होगा, स्टाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। ये दो कार्बन कंपाउंड है। अगर वंस स्टाइल कोएंजाइम ए फॉर्म, देन ये इंटर करेगा क्रेब साइकिल में। कंडीशन क्या होनी चाहिए? एरोबिक कंडीशन होगी तभी। नाउ ये दो कार्बन है क्रेब साइकिल में, दो मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनाएगा। जो दो कार्बन कंपाउंड है क्रेब साइकिल के अंदर, ये दो मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनाएगा। कैसे बनाएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्रेब साइकिल डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम पाइरुविक एसिड। आपको ये ध्यान में रखना है, जो क्रेब साइकिल है ये पाइरुविक एसिड से स्टार्ट नहीं होती है। हमें क्या करना पड़ता है, ये जो पाइरुविक एसिड है उसको हमको ऑक्सैलो सॉरी एस्टाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना पड़ता है लिंक रिएक्शन के थ्रू। क्रेब साइकिल डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम पाइरुविक एसिड, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस पाइरुविक एसिड इनटू एस्टाइल कोएंजाइम ए थ्रू लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्या है? जो पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड में क्या होता है, इसका CO2 बाहर निकल जाती है हमारी, और हमारा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, दो हाइड्रोजन का, वो NAD प्लस उस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है। अब उसको हाइड्रोजन को पकड़ के वो NADH प्लस H प्लस बनाता है, और एडिशन क्या होगा कोएंजाइम ए का, तो हमारा बनता है एस्टाइल कोएंजाइम ए, जो कि दो कार्बन कंपाउंड है। क्या बोला मैंने? पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड से क्या होगा, CO2 का रिमूवल होगा, ऑक्सीडेशन होगी, जिसमें क्या होगा वो हाइड्रोजन जो हमारा रिमूव होगा उसको NAD प्लस पकड़ लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे NADH प्लस H प्लस में। एडिशन कोएंजाइम ए का होगा, तो बनेगा क्या हमारा एस्टाइल कोएंजाइम ए, जो कि दो कार्बन कंपाउंड है। अब चलिए पाथवे स्टार्ट करते हैं। तो एस्टाइल कोएंजाइम ए हमारा दो कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज करिए आपको अगर बिजनेस करना है जो कि 6 लाख का है, और आपके पास 2 ही लाख रुपए हैं, तो आप वो 4 लाख रुपए या तो आप बैंक से लोन लेंगे या किसी से उधार मांगेंगे। तो ठीक उसी तरह ये दो कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड चार कार्बन कंपाउंड है, तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एस्टाइल कोएंजाइम ए मिलके 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। कैसे बनाते हैं? ऑक्सैलो एसिड में क्या होता है, एडिशन होगा वाटर का और रिमूवल होगा कोएंजाइम ए का। एंजाइम कौन सी? सिट्रेट सिंथेसिस। तो बनेगा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड। क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में क्या होगा, एडिशन ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ कोएंजाइम ए लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड व्हिच इज 6 कार्बन कंपाउंड। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ओके, फिर अब ये सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, सिस एसिटोनिक एसिड बनेगा। अब सिस एसिटोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसोनिटेज एंजाइम गेट कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। ये 6 कार्बन कंपाउंड ही लेके आ रहे हैं, यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड ही होगा। और सिस एसिटोनिक एसिड किसके कन्वर्ट, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, एसोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में गेट कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। यहाँ पे हमको Fe2+ की भी जरूरत रहती है। अब इस आइसोसिट्रिक एसिड को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड। तो उसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब जो H2 हमारा रिमूव किया जाएगा, लेकिन जो H2 होगा वो जो रिमूव किया जाएगा वो NAD पकड़ लेगा उसको, और NAD उसको पकड़ के NADH प्लस H प्लस बना लेगा। उसके साथ ही यहाँ पे हमारे क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगी। एंजाइम कौन सी, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। बनेगा क्या, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड। अभी आप यहाँ पे देख रहे थे 6 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही एक CO2 रिलीज हुई तो कंपाउंड कौन सा हो गया,
पांच कार्बन कंपाउंड, तो अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड हमारा पांच कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम कौन सी यूज की? आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ दिस अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड क्या होगा, फर्दर गेट कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, उसमें क्या होगा, रिलीज होगा, फिर से रिलीज होगी CO2, एडिशन होगा कोएंजाइम ए और डिहाइड्रोजिनेशन भी होगा। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब मैंने बताया था H2 का रिमूवल होगा जो कि H2 का पकड़ लेगा NAD और बना देगा NADH+H+। तो जहां जहां पे डिहाइड्रोजिनेशन हुई वहां पे CO2 रिलीज हुआ, एक यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हुई और एक यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे रिलीज हुआ CO2 का। अब ये फाइव कार्बन कंपाउंड से हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम कोएंजाइम ए फोर कार्बन कंपाउंड बन गया। अब फर्दर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा दोस्तों, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अब ये फोर कार्बन कंपाउंड है, अब ये फोर कार्बन कंपाउंड से अब यहां से एक भी CO2 का रिलीज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि एस्टाइल कोएंजाइम ए दो कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सलोएसिटिक एसिड चार कार्बन कंपाउंड है। अगर मुझे बिजनेस के लिए 6 लाख चाहिए, दो लाख मुझे एस्टाइल कोएंजाइम से मिला और 4 लाख मैंने लोन लिया ऑक्सलोएसिटिक से। अब मैंने जब लोन लिया है 4 लाख, तो वो 4 लाख मुझे वापस भी देना होगा, इसलिए यहाँ पे चार कार्बन कंपाउंड बन चुका है, तो ये चार कार्बन कंपाउंड मुझे वापस ऑक्सलोएसिटिक एसिड को देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे CO2 का रिलीज नहीं होगा। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए गेट कन्वर्टेड इंटू सक्सिनिक एसिड और ये एक सबस्ट्रेट लेवल यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होगा और एक ATP बने। पूरी साइकिल में जो सबस्ट्रेट लेवल होगा फॉस्फोरिलेशन होगा वहां पे खाली यही स्टेप में होगा और जहाँ पे एक ATP बनेगी। अब आप देख रहे हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में फॉस्फेट ग्रुप तो है नहीं, तो हम लोग ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनाएंगे, तो पूरे पूरी साइकिल में हमारे एक ही ATP यहाँ पे बनेगा, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में फॉर्म 1 ATP। अब बनेगा क्या, सक्सिनिक एसिड। मैंने जैसा कि बताया था CO2 का रिलीज नहीं होगा, तो ये भी फोर कार्बन कंपाउंड है। अब ये फोर कार्बन कंपाउंड गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड, अब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब H2 रिलीज होगी। अब H2 रिलीज हुई तो FAD उस H2 को पकड़ लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, लेकिन CO2 का रिलीज नहीं होगा क्योंकि अब हमें चार कार्बन कंपाउंड ही लेके चलना है। बनेगा फ्यूमेरिक एसिड जो कि चार कार्बन कंपाउंड है। अब ये फ्यूमेरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज गेट कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड, रिमूवल किसका हुआ, वाटर का। अब ये कंपाउंड कौन सा है, फोर कार्बन कंपाउंड। अब मैलिक एसिड मैलिक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंट में ऑक्सलोएसिटिक एसिड बनेगा, क्या होगा यहाँ पे, रिमूवल होगा H2 का, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, और वो H2 ये NAD+ पकड़ के NADH+H+ बना लेगा, फिर ऐसे हमारी साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप बताएंगे कि कितना ATP गेन हुआ, तो सबसे पहले देख लीजिए आपने NADH+H+ कितने बने हैं, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन कहाँ कहाँ पे हुआ है, एक हमारा यहाँ पे हुआ है, एक दो और एक यहाँ पे तीन, तो एक NADH+H+ से हमें 3 ATP मिलता है जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है, तो हमारे पास तो 3 NADH+H+ है, तो एक NADH+H+ से मुझे 3 ATP मिल रहा है, तो 3 से मुझे 9 ATP मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास एक FADH2 भी बना है, कहाँ पे बना था, सक्सिनिक एसिड से जब हम लोग फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे, डिहाइड्रोजिनेशन हुई थी तब हमारा FADH2 बना था। अब जब FADH2 हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो यहाँ पे 2 ATP हमारा बनाता है FADH2, तो 1 FADH2 बना रहा है, तो 1 FADH2 से हमारा 2 ATP मिलता है, तो ये 2 ATP और 1 ATP जो हमारी सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में हुई थी वो ATP, तो टोटल दोस्तों कितनी ATP हो गई, 12 ATP। तो नेट गेन ATP हमारी क्रेब साइकिल में कितनी होती है दोस्तों, 12 ATP। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये याद होगा मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था, जो लिंक रिएक्शन होती है जिससे हम लोग पाइरुविक एसिड से हम लोग कोएंजाइम ए बनाते हैं, वहां से भी हमारी NAD से NADH+ भी जुड़ती है, ठीक है, NAD से NADH+H+ बनता है। तो अगर हम लोग पाइरुविक एसिड को भी अगर हम जोड़ेंगे पाइरुविक वाला, तो यहाँ पे टोटल कितना ATP हो जाएगा, 15 ATP।
ये जो मैंने आपको स्टेप बताया था पाइरुविक एसिड से जब डिहाइड्रोजनेशन हुआ NADH प्लस H प्लस बना, अगर हम इसको भी जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 15 एटीपी। तो हमें पता है जब ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या सीखा था कि ग्लाइकोलिसिस में हमारा नेट गेन कितना था 8 एटीपी था, ठीक है। और पाइरुविक एसिड हमारे दो पाइरुविक एसिड बने थे, तो अगर हम एक पाइरुविक एसिड से 15 एटीपी बना रहे हैं तो दो पाइरुविक एसिड से 30 एटीपी बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कितना हमें एटीपी दे रहा है, 30 एटीपी दे रहा है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो हमें 30 एटीपी मिलेगा। अब व्हाट आर द इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स क्या है टीसीए साइकिल के, जो पहला इनहिबिटर है NADH है, एटीपी है, जीटीपी है, सेक्सिनाइल कोएंजाइम ए है। दूसरा इनहिबिटर फ्लोरोएसिटेट है, फिर आर्सेनाइट है, फिर मेलोनेट है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।